इस राज्य में बनने जा रही है केजरीवाल की सरकार, बच गया ढोल, हो गया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र अब देश के कई राज्यों पर है। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मार्च में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत 4 मार्च को कर्नाटक से होगी, फिर 5 मार्च को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इसके बाद वह 13 मार्च को राजस्थान और 14 मार्च को मध्य प्रदेश जाएंगे। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक का कहना है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली के बाद 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आपने तत्कालीन सीएम समेत कई बड़े नेताओं को पराजित किया। वहीं आम आदमी पार्टी का गोवा विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर कब्जा किया है। आपने आगे कहा कि बीते साल आपने बीजेपी के गढ़ गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। आपने गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ा था, इसके बावजूद पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली और करीब 14% वोट मिले। इसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आपने देश भर में अपना विस्तार करने का फैसला किया है, ताकि दिल्ली और पंजाब की तरह पूरे देश के लोगों को केजरीवाल के शासन मॉडल का लाभ मिल सके। आम आदमी पार्टी का लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन बन चुका है। इस संगठन को मजबूती देने का काम तेजी से चल रहा है। आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संदीप पाठक का कहना है कि आपका लक्ष्य अरविंद केजरीवाल की अच्छी और सच्चाई की राजनीति को देश भर में हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज देश में सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की राजनीति है। नकारात्मक राजनीति में चुनाव के गुणा भाग, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े की गूंज है। वहीं अरविंद केजरीवाल की सकारात्मक राजनीति में जनता के मुद्दों, पढ़े लिखे लोगों और स्कूल अस्पताल की राजनीति है। इस राजनीति को देश की जनता पसंद कर रही है। हमें इस सकारात्मक राजनीति को देश भर में घर घर तक लेकर जाना है। आप कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम अपने संगठन को जमीनी स्तर पर लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।